जी जी, ये बहुत खुशी की बात है जब भी हमारे कुछ कॉमेडियन भाई लोग मिलकर कोई कॉमेडी का होता है काम, कॉमेडी फिल्म बनती है या कॉमेडी का कोई भी बिजनेस होता है, प्ले हो, मूवी हो, वीडियो हो, तो मुझे बड़ी खुशी होती है एज अ कॉमेडियन। मुझे बिल्कुल अच्छा लगता है और अच्छा लगना भी चाहिए। और अकबर बिन तबर हैदराबाद के क्या बताऊँ, वहाँ के सुपरस्टार हैं और आरिफ अनिल कपूर हमारे आरिफ साहब ये लोकल एक्ट के गॉडफादर हैं, सबसे बहुत सबका ख्याल रखते हैं। और ये कॉमेडी फिल्म जो भी आपने ट्रेलर देखे, ये फिल्म ऐसी फिल्में बननी चाहिए, लोगों तक पहुंचनी चाहिए और लोग हंसे इंजॉय करें। क्यों आज चाहिए इतने टेंशन में, कॉमेडी होनी चाहिए, लोगों तक कॉमेडी पहुंचे, लोग ज़रा गुदगुदाए हंसे तो ज़रा अच्छा लगता है। लोगों की दुआएं लो भाई, लोग जब खुश होते हैं वो बड़ी बात, वर्ल्ड के दुआ ले रहे हैं सब। हमने देखा है कि कभी भी मतलब ना आपने कभी भी वो कुछ मतलब देखा नहीं है ऐसा कि बहुत बड़ी फिल्म है या कुछ छोटी फिल्म है, यू ऑलवेज देयर टू सपोर्ट एक जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियन है या कॉमेडी से रिलेटेड कुछ भी चीज़ हो, आप हमेशा जो वक्त निकालते हो। हाँ, क्या कहना, वक्त निकालना पड़ता है क्योंकि हम तो जमीन से आए ना, हमें कोई खड़ा नहीं करता था, ऐसा समय था तो हम लोग बहुत ही जमीन से आए हैं, बहुत तकलीफ से मतलब बहुत ही स्ट्रगल से मेहनत करके आए, तो वो उसको हम अभी तक भूले नहीं, तो खुशी होती है। हमारे भाई लोग बुलाते हैं तो छोटा बड़ा क्या होता है, आर्ट आर्ट होता है, टैलेंट बिलोंग्स टू ऑलमाइटी गॉड, खुदा की तरफ से, परमेश्वर की तरफ से, तो इससे मोहब्बत होनी चाहिए, लोग मोहब्बत करते हैं और लोगों के सामने लोगों ने हमेशा हमें उठाया है और ये लोग प्यार करते हैं, बड़ी बात है, तो उन्हीं की मोहब्बत उनका प्यार खींच लाती है। जानी कोई है बोल के ये चमक दिख रही है आपको आज, ये जो लाइटें दिख रही है, ये चमक दिख रही है लोगों के चेहरे पे, जो खुशी दिख रही है भाई, अभी कम से कम एक 200 लोगों को सेल्फी, 300 लोगों को दिए होंगे भाई, मगर किसी को भी इनकार नहीं करेगा, किसी को बाजू खटके खड़ो बोले। अगर कोई दूसरे एक्टर्स होते तो बोलते भाई चलो ना यार, कितना लेट कर रहे हो यार, क्या यार। मैं देखा हूँ क्योंकि हमारे हैदराबाद में जब जानी भी आते हैं तो ये आप ही का कमाल है, लोग लिंबू घुमाते ना, इन्होंने संतरा घुमाया नहीं नहीं मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, हमारे हैदराबाद में जानी भी जब भी आते हैं हमारा हैदराबाद जगमगाता है, हमारा हैदराबाद के लोग मुस्कुरा देते हैं। अभी देखिए जानी भाई को मैं खास एक छोटी चीज बोलना चाह रहा हूँ, टीवी पे जब ओ माय गॉड इधर ही देखो, जब भी जानी भाई को टीवी पे कोई देखते हैं तो अगर मियाँ बीवी का आपस में झगड़ा हो गया, इधर कोई बैठा है हस्बैंड, इधर बैठी है वाइफ, जैसा जानी भाई टीवी पे अगर आ गए तो दोनों पास आ जाते तो वो जानी भाई है। ये बहुत बड़ी दुकान है भाई और ये ऐसी दरगाह है, यहाँ पर हर कोई चादर चढ़ाना पड़ता है। ये एक कॉमेडी का रोल है इसमें, थोड़ा छोटा सा रोल है मेरा भी, तो पिक्चर को मैंने बाबा कृपा से प्रोड्यूस भी किया है, बस आप लोगों का प्यार चाहिए और दुआ चाहिए कि पिक्चर थोड़ा आगे से आगे चले, क्योंकि ये पिक्चर पे देखिए जितने भी है, एक तो कोई आर्टिस्ट मुंबई से है, कोई दिल्ली से है और एक थोड़े अपने हैदराबाद के आर्टिस्ट है, बट ये पिक्चर जो बनी है पूरी बॉलीवुड मूवी है। ये अपने को देखिए अभी 1.5 मंथ में हो जाएगा, अभी सब कुछ हो चुका है, रेडी हो चुका है, तो रमजान के मुझे फिल्म करेंगे। ऋतिक शर्मा का सिलेक्शन देखिए हमारे जिस आरिफ भाई जो है अपने अनिल कपूर जी के लुक अलाइक उनके थ्रू आए थे, तो उनका सिलेक्शन भी हमने 4-5 कैरेक्टर्स को देख करके फिर करके उनका जो उनके कैरेक्टर पे सूट करता है हम उनके लिए भी फाइनल किए थे इसके लिए, और बाबा कृपा से बहुत अच्छा हुआ है और अच्छा जाएगा भी है। और आपका कॉमेडी का लाल और अजब तमाशा ये जो फिल्म बनी है इसमें हैदराबादी मुंबई मिक्स है, तो मैं इस पूरे टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा, कहूँगा आप जिए हजार साल, कमाओ माल पे माल, खुश रहो, आबाद रहो, मुंबई रहो या हैदराबाद रहो, ऑल द बेस्ट। ऋतिक और मैं ऋतिक शर्मा हूँ और मैं अभी काम करने का मेरे को सौभाग्य मिल रहा है इस मूवी में जो बॉलीवुड मूवी है, और एक हैदराबाद के अंदर एक बॉलीवुड मूवी होने जा रही है और जिनके प्रोड्यूसर है हमारे क्या नाम है अमित कुमार अग्रवाल जी और हमारे डायरेक्टर नईम अहमद जी और हमारी एक्टर जो तनुजा ठाकुर, मेरा नाम ऋतिक है और मेरे को सौभाग्य है कि इस मूवी के अंदर काम करने का
सौभाग्य मिल रहा है और मैं बहुत अच्छा लग रहा है और मैं मतलब बता नहीं सकता आपको कि मतलब अंदर से कितनी खुशी है जो इतनी तमाशा। पहले तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे इतना बड़ा मौका मिला हमारे अमित सर अग्रवाल जी ने, जो हमको बहुत मज़ा आया लाइक मूवी के दौरान, आपको भी मूवी देख के बहुत मज़ा आएगा। और ये मूवी में बहुत सारे लाइक ट्विस्ट एंड कॉमेडी है, सस्पेंस है और कॉमेडी है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉमेडी भी है और इस मूवी को मतलब फैमिली देख सकती है। जैसे कि आजकल मैं बोलूँगा तो नहीं, पर बहुत सारी मूवी होती है जिसमें बल्गर टाइप होता है, तो इसमें बल्गर कुछ भी नहीं है, पूरी फैमिली देख सकती है इसको, बैठ के बच्चे से लेके बड़े तक देख सकते हैं और बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं इस मूवी को देख के। नहीं नहीं, मैंने ऋतिक का मतलब रोल तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ऋतिक रोशन जी का मैं उनका नहीं कर रहा हूँ इसमें रोल। अदरवाइज इसमें एक मेरा जो करेक्टर है वो एक इनोसेंट है और मेरा भूलने की मेरे को एक आदत होती है उसके अंदर, तो बहुत अच्छा। और मतलब जो इसका सस्पेंस है वो बहुत प्यारा सस्पेंस है, जो स्टोरी लिखी गई है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लिखी गई है, बहुत अमेजिंग मूवी है। जब तहे दिल से हैं, आजकल का जो माहौल चल रहा है वो टेंशन के माहौल में ऐसी मूवीज बहुत ज़रूरी है हंसने खेलने के लिए और कॉमेडी के लिए, तो हर कोई इंसान भागता है पिक्चर देखने के लिए। और मेरे दिल से यही दुआ है कि लोगों को ऐसे ये मूवी बनती जाए, कॉमेडी हर किस्म जो भी मूवी है उसमें कॉमेडी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे इंसान टेंशन। अजब तमाशा ये हमारी मूवी है, आई एम श्योर पब्लिक को बहुत पसंद आएगी बिकॉज इसमें बहुत से तमाशे हैं, तो आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे जब रिलीज होगी, प्लीज जाइए देखिए, यू विल एंजॉय। मूवी में काम कर रहे हैं मतलब इस फिल्म में जो मीडिया वाले उनको भी लिया गया है और काफ़ी सारे हमारे अलग कैरेक्टर्स हैं, जैसे इसमें नवाब की वाइफ का इस्तेमाल किया है मैंने, जो है नवाब को बिगड़ाता है वो एक अलग कैरेक्टर है, ऐसे हमारे अलग अलग कैरेक्टर हैं, तो ये फिल्म जो है बिल्कुल ही पक्की मतलब बेस्ट रहेगी। इतनी कॉमेडी ऐसा भरा है कि मतलब मज़ा ही आ रहा है। अकबर भाई है इसमें, तवर भाई जो कि कॉमेडी के इतने बड़े बादशाह हैं, तो उनकी कॉमेडी, बाकी जो कैरेक्टर्स है, भाई का कैरेक्टर मतलब बहुत प्यारा है, मुझे अच्छा लगा। बाकी मैंने जो कैरेक्टर किया वो मैं खुद से हट के थोड़ा किया हूँ। सबसे पहले बता दूँ कि ये हैदराबादी फिल्म है, हैदराबाद के कलाकार हैं, बट ये हिंदी फिल्म है और ये सब इतिहास में पहली फिल्म है जो हैदराबाद की, जो अमित कुमार अग्रवाल साहब जो प्रोड्यूसर हैं, नईम अहमद साहब इसके डायरेक्टर हैं और हमारे अकबर बिन तवर इसके कॉमेडियन हैं और जितने भी लोग हैं ये लोग, इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि बॉलीवुड में इतिहास रच दिया इसने, क्योंकि पहली बार हैदराबाद के कलाकारों की हिंदी मूवी का ट्रेलर जो लॉन्च हुआ वो भी जॉनी लीवर साहब जैसे हमारे लीजेंड कॉमेडियन के हाथ से, तो यही सबसे बड़ी बात है। और दिन है अजब तमाशा का जो ट्रेलर है वो लॉन्च हुआ है और ये हमारी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात है कि हैदराबाद की प्रोडक्शन, हैदराबाद के कलाकार आज मुंबई में अपना ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं और ये सिलसिला चलता रहना चाहिए क्योंकि ये सिलसिला हमारी इंडस्ट्री में बहुत कुछ लाएगा। मैं बहुत खुश हूँ, हैदराबाद की इंडस्ट्री और हमारी मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री अगर मिल जाएगी तो बहुत कुछ हो जाएगा।